हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.6 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। साथ में हमारे ऐप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक और इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सारी बुक्स उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कह रहा है योग और व्यवकल तालिकाओं को पूरा करो। योग का मतलब होता है भाई जोड़ना है, व्यवकलन का मतलब घटाना है। सीधा सा मतलब है। हमने आपको क्या बताया था, जब हर जो होते हैं समान होते हैं तो ऊपर जो भी लिखा हो, चाहे प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो, प्लस में लिखा है जोड़ दो, माइनस में लिखा हो तो घटा दो। जैसे कि इसमें सब में बटे में हमारा 3 ही है, मतलब हर जो है समान है, तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हर जो है अलग अलग है तो थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं। इधर इसको इसको इधर एरो में प्लस बनाया ना, तो इनको जोड़ना है। हर समान है ना, जोड़ दो। 2 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 6/3। काटना है तो काट दो। ठीक है, 6/3 आया, इसको हम थोड़ा साइड में लिखते हैं। काटना है काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा 2 आ जाएगा। 2/1 का मतलब होता है 2। यहाँ पे इसको भी जोड़ना है, बटे में 3 है, 3 लिख दो, और 2 और 1 हमारा 3 ही होता है, हर समान है ना, तो 3 से 3 कट गया तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, ये तालिका अब इधर से भर गई। अब 2 में से बटे में 3 दोनों में है, हर समान है, तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो 2 में से 1 गया 1, बटे में 3 लिख दो। हमें क्या करना है, घटाना है। 4 में से 2 गया 2, बटे में 3 है, 3 लिख दो। बस हमारी तालिका जो है फिल हो गई। अब ये कह रहे इधर से भरो। ठीक है, अगर इधर से घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, इधर से घटाएंगे 1 आएगा, इधर से जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा। कैसे भाई, देखो 2 और 1 हमारा दो सॉरी हाँ दो हमें तो इधर ऐसे ऐसे जो करना है वो घटा के करना है, ऐसे जो करना है वो प्लस करके करना है। तो हमें ऐसे करना है ना, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा। चाहे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हर समान है, तो ये हमारे ऐसे करना है ना, तो जोड़ना है, तो ये हमारे 3/3 मतलब कट जाएगा, तो हमारा 1, तो भी हमारा 1 ही आएगा। यहाँ पे हमारा 1 ही आएगा। ये तो समझ में आ गई तालिका। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे हर जो है वो हमारे अलग अलग है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं बी वाला। 1/2 + 1/3 ये है, 2 और 3 की गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा। 3 और 1 की गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कैची गुणा, 3 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा 5/6। तो ये हमारा क्या आ गया, 5/6। फिर हम 1/3 + 1/4 करेंगे, यहाँ पे भी 3 और 4 की हम गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 और 1 की गुणा 4, 3 और 1 की गुणा 3, 4 3 हो जाएगा 7/12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/12। अब हम इनको घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा है 1/2 - 1/3। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/6, क्या आ जाएगा, 1/6। नेक्स्ट करेंगे, हमें क्या करना है, 1/3 - 1/4, तो 3 चक्कू हमारा 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 - 3 एकम 3, ये क्या हो जाएगा, 1/12, क्या हो जाएगा, 1/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो चाहे इनको सॉल्व कर लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5/6 हम अगर ऊपर इसको इसको करते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, 7/12, तो इसको हम दुगना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हर समान हो जाएगा, इसको दुगना कर ले, 5/6 की अगर 2 से गुणा कर दे, 6 की 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, मतलब हमारा हर जो है वो समान हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 से गुणा करी है तो ये ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10/12 - 7/12। तो अब हमारा हर समान है तो घटा देंगे डायरेक्ट, 10 में से 7 गया 3/12, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3/12।
इसको सॉल्व करेंगे तो भी अगर हम इसको दुगना करेंगे तो 6 दुनी 12 यहाँ पे दुगना हो जाएगा, हर समान हो जाएगा तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, 3 बटे 12 तो भी आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारा 5वां वाला कंप्लीट हुआ। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 6ठा वाला। 7 बटे 8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं, हमारे पास एक तार है ठीक है, कितने कितनी लंबाई का, 7 बटे 8 मीटर का पूरा तार है, इसके 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, एक टुकड़ा जो है 1 बटे 4 मीटर का है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बताओ। भाई अगर हमारे पास 5 टॉफी है, 2 टॉफी किसी ने हमसे ले ली तो हमारे पास कितनी टॉफी बची, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तभी तो कह सकते हैं कि किसी ने हमसे जब 2 टॉफी ले ली, हमारे पास 5 टॉफी थी टोटल, तो 3 टॉफी बची, तो हम क्या हमने क्या किया, टोटल टॉफी में से जितनी टॉफी हमने दी है वो घटा दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम ऐसे ही करना है, टोटल में से जो हिस्सा हमारे पास नहीं है या अलग कर दिया है ठीक है उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तार की कुल लंबाई, तो तार की कुल लंबाई कितनी है, 7 बटे में 8 मीटर। तार का पहला टुकड़ा वो कितना है, 1 बटे 4 मीटर, तो हम यहां पे लिख देंगे इसलिए तार के की या तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या करेंगे, 7 बटे 8 में से 1 बटे 4 को माइनस कर देंगे। तो हम जानते हैं 4 जो है 8 बन सकता है ना, तो सेम वही तरीका हम अपनाएंगे, तीसरा वाला तरीका जो हमने बताया है बिन सॉल्व करने का, 1 बटे 4 लिखेंगे, हम 4 को 8 बनाना चाहते हैं ताकि हर समान हो जाए। अगर यहाँ पे 2 से गुणा की है तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये 7 बटे 8 तो था ही, ये हो जाएगा 2 बटे में 8। अब हर समान हो गए, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो गया, 7 में से 2 को माइनस कर दो 5 आ जाएगा, 5 बटे 8 हमारा मीटर लिख देंगे आंसर हो जाएगा ठीक है, 5 बटे 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बिंदुओं को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट हुआ, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।